पहले भी आपने काम किया है, आप में से बहुत लोग होंगे जो सरकार में 25 साल 20 साल 15 साल से काम करते होंगे, तब आप अपने टेबल से जुड़े हुए होंगे, अपनी फाइलों से जुड़े होंगे, हो सकता है अगल बगल के साथियों से फाइल देते समय नमस्ते करते होंगे, हो सकता है कभी लंच टाइम टी टाइम पर कभी चाय पी लेते होंगे, कभी बच्चों की पढ़ाई की चर्चा कर लेते होंगे, लेकिन रूटीन ऑफिस के काम में हमें अपने साथियों के सामर्थ्य का कभी पता नहीं चलता है। 20 साल साथ रहने के बाद भी पता नहीं चलता है कि उसके अंदर और क्या सामर्थ्य है, क्योंकि हम एक प्रोटोटाइप काम से ही जुड़े रहते हैं। जब इस प्रकार के अवसर में हम काम करते हैं तो हर पल नया सोचना होता है, नई जिम्मेवारी बन जाती है, नई चुनौती आ जाती है, कोई समाधान करना, और तब किसी साथी को देखते हैं तो लगता है अरे इसमें तो बहुत बढ़िया क्वालिटी है जी। यानी ये किसी भी गवर्नेंस के सक्सेस के लिए फील्ड में इस प्रकार से कंधा मिलाकर के काम करना वो साइलोस को भी खत्म करता है, वर्टिकल साइलोस और हॉरिजॉन्टल साइलोस सबको खत्म करता है, और एक टीम अपने आप पैदा हो जाती है। आपने इतने सालों से काम किया होगा, लेकिन यहां G20 के समय रात रात जगे होंगे, बैठे होंगे, कहीं फुटपाथ के आसपास कहीं जाकर के चाय ढूंढी होगी, उसमें से जो नए साथी मिले होंगे वो शायद 20 साल की 15 साल की नौकरी में नहीं मिले होंगे। ऐसे नए सामर्थ्यवान साथी आपको इस कार्यक्रम में जरूर मिले होंगे। और इसलिए साथ मिलकर के काम करने के अवसर ढूंढने चाहिए। अब जैसे अभी सभी डिपार्टमेंट में स्वच्छता अभियान चल रहा है, डिपार्टमेंट के सब लोग मिलकर अगर करें, सचिव भी अगर चैंबर से बाहर निकल करके साथ चले, आप देखिए एकदम से माहौल बदल जाएगा। फिर वो काम नहीं लगेगा, वो एक फेस्टिवल लगेगा कि चलो आज अपना घर ठीक कर रहे हैं, अपना दफ्तर ठीक कर रहे हैं, अपनी ऑफिस में फाइलें पर निकाल कर रहे हैं, इसका एक आनंद होता है। और मेरा हर किसी से, मैं तो कभी कभी ये भी कहता हूँ कि भाई साल में एक आध बार अपने डिपार्टमेंट का पिकनिक करिए, बस लेकर के जाइए कहीं नज़दीक में 24 घंटे के लिए, साथ में रह करके आइए। सामूहिकता की एक शक्ति होती है, जब अकेले होते हैं कितना ही करें, कभी कभी यार मैं ही करूंगा क्या, क्या मेरे ही सब लिखा हुआ है क्या, तनख्वाह तो सब लेते हैं, काम मुझे ही करना पड़ता है, ऐसा अकेले होते तो मन में विचार आता है। लेकिन जब सबके साथ होते हैं तो पता चलता है जी नहीं, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिसके कारण सफलताएं मिलती हैं, जिनके कारण व्यवस्थाएं चलती हैं।